अपने मेहतारी से मिलने के लिए आई थी, मेहतारी से। अब भोलेनाथ रह गए अकेले, अकेले अब अच्छो नहीं रहो। इधर शकुनी का बेटा था प्रकाशो, प्रकाशो और वो जब आया शिव भक्ति के लिए, भाई बता दिए सबसे ज्यादा भोलो देवता शिव जी, जो मांगो तो ही दे देते हैं। तो दुष्ट ने कहा करो अगर भोलेनाथ के परिक्रमा देव शुरू करे, और तब कहीं भोलेनाथ ने बोलो कहा चाह रहे हो कि महाराज मोह तुमको चेला बनाएगा। ये पागल जाओगे तो कहीं खरीद रहे जा चेला ही है अपनी ऐसे ना महाराज चेला बनाओ तो कुछ आशीर्वाद तो दे। भोलेनाथ की परिक्रमा करता रहा, पैर छूता रहा, ओम नमस्कार बोलता रहा। भोले बाबा ने की बोल तू जो मांगे सो, कि महाराज वो ऐसा बना दो कि जब दुनिया में कोई मेरा सामना नहीं करे। भोले बाबा ने की नीचे जो आवो तो सुझाइए वहां तुम्हें कि कोई ने सामना करे। हाँ महाराज यही चाहते तो चल ऐसा ही होगा, तेरा कोई सामना नहीं करेगा। तो प्रभु वो ऐसा हथियार तो कोई दे, हथियार से मैं लड़ू। तो भोलेनाथ ने हथियार क्या दिया, हाथ उठाए जाओ सपने ना कहे तीर तलवार क्षत्रिया वे सामने कर दे इसी सपे धार है। शिवजी को जी बच नहीं और अमर रहे मेरी रसमई, हाथ धरे जब शीस पे और धरतई होइगो भसम। तुझे मैंने वरदान दे दिया कि कोई तीर की जरूरत नहीं, तलवार की जरूरत नहीं, कोई हथियार की जरूरत नहीं, केवल तीन बार मो शीस पे हाथ धर के कह दिया भसम 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 सुल करता भसमा सुन लगी जी खूब बढ़िया। और मोए ना कहोगे हथियार की जरूरत ना तीर की ना बंदूक की ना नाकल की, भसमा सुन निकल के चल दिया। अब दुनिया में शोहरत हो गई कि शिवजी ने